पे गया ना तो जो बैठता था ना तो कमर में शुभ नाम बताओ प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार कहाँ से आया? जींद से। जींद से आया, क्या बताया डॉक्टर ने आपको? एंक्लोजिंग क्या और उसको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बताया जी। हाँ भाई कर चालू उसको। क्या बताया आपको? एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये क्या होता है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस? इससे धीरे धीरे खून में बताइए बीमारी और धीरे धीरे क्या नाम है ये सारा स्क्रीन जाम होने लगता है। कब से शुरू हुआ आपको ये? 2015 से ज़्यादा है और 2011 में पहली बार दर्द हुआ था कमर में। 11 में पहली बार दर्द कहाँ पे हुआ? ये L3-L4 में हुआ था। L3-L4 में मतलब कमर में दर्द डिस्क प्रॉब्लम हुई थी। फिर आपने डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर को दिखाया, उस टाइम तो मामूली सी थी, फिर ये धीरे धीरे बढ़ के इतना हो गया कि पूरा शरीर जाम हो गया। अभी आप मुझे एक प्रसंग बता रहे थे ये उस दिन आपको हुआ था, किस दिन आपको हुआ था? बालाजी गया था मैं पहली बार। पहली बार बालाजी ले गया था मेरा कोई, तो क्या नाम है जब मैंने समाधि वाले बाबा की परिक्रमा करी, परिक्रमा करके जब मैं पहली बार उठा, जब मेरी परिक्रमा पूरी होगी 11 तो मेरे दर्द हुआ था। अपने आप पे मेरे को बहुत रोना भी आता है और अपने आप पे बहुत पछतावा भी आता है। क्या आता है? रोना भी आता है, अपने आप पछतावा भी आता है। रोते क्यों? पछतावा किस लिए आता है कि मैं बालाजी गया? शरीर पे बीमारी लग गई, इसलिए शरीर में बीमारी लग गई। तो बालाजी में पहली बार हुआ आपको? पहली बार परिक्रमा करते हुए। तब आपको कमर में दर्द रहता था या नहीं था कुछ भी? पहले नहीं था दर्द, जब मैंने अपने आप को दिखाना अपने आप टोटलना शुरू किया ना तब दर्द हुआ मेरे को। पहले नहीं था, पहले ठीक था, पहले घर के दर्द ले जाते थे मैं विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब मैं पहली बार में आ गया मेरे को महसूस हुआ कि हाँ मेरे में कोई दिक्कत है। तो क्या दिक्कत क्या थी? ऐसी ऊपरी पढ़ाई वाली। हाँ तो आप खेले थे? हाँ जब मैं पहली बार गया था उसके बाद मैं खेलने लगा था थोड़ा बहुत। वहाँ पे बालाजी जब गए थे दर्द कहाँ होता है? दर्द अब तो पूरी बॉडी में होता है। एक चल के आओ जय शनिदेव बोल के वहाँ से घूम के आओ, चलो ऐसे परिक्रमा करो। हाँ लगा जितनी इलाज करवाओ उतना ज़्यादा होता है, जितना इलाज कराओ उतना। कितने सालों से ये दर्द से जूझ रहा है बेचारा? ये कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 साल से तो ज़्यादा हो रहा है। ये 2011 से बता रहे हैं? ये चल भी नहीं सकते ज़्यादा। 2011 से अब तक तो मतलब मेरे ख्याल से 13-12 साल हो गए। पेन किलर दवा खा के यहाँ आए हैं, इतना चल रहा है, नहीं चल नहीं सकती ना कोई चीज़, झुक के ना बैठ सके। हाँ बोलो क्या होगा? अभी कैसा कुछ रिलैक्स हो रहा है? ऐसे कहाँ महसूस हो रहा तुझे दर्द? पूरी बॉडी में होता है। कितना ज्यादा होता है? ज्यादातर तो डॉक्टर ने कौन सा रोग बताया? एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये कौन सा एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस? एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो रीढ़ की हड्डी के पिछले हिस्से में होती है, वो ज्यादा करती है। हां वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। रीढ़ की हड्डी की जाली होती है जो लचक पड़ता है यहाँ पे होती है वो जाली। हां तो कुल्ले भी जैसे जाम होने लग गए। हां कुल्ले भी जाम होने लग गए। जब दर्द लंबे समय तक रह जाएगा, कोई चीज भी लंबे समय तक रह जाएगी तो कुल्ले जाम होने। 2011 से तुम्हें पता है ना तुम्हें थोड़ी देर पहले कितना दर्द था? राउंड मार के आओ जैसे नहीं बोलते हुए मैं भी बोलता हूँ। इतनी से ज़्यादा फैलती सब हो जाएगा बहन जी, थोड़ा सा अने की जय महाराज की जय। जैसा कि आप देख रहे हैं भैया के पूरे शरीर में दर्द रहता है, लेकिन आज भैया के आशीर्वाद से, संजय महाराज, शाही बाबा, श्री राम के समस्त देवी देवताओं, श्री राम के दूतों के आशीर्वाद से आज इनकी समस्याओं का निवारण होगा। फिलिप सा हुआ जैसे। नहीं दर्द कहाँ है? दर्द तो इससे ज़्यादा रहता है। अभी है हल्का फुल्का कम हुआ है वैसे। कितना कम हुआ? 20% जितना था उससे 21% ऐसा लग रहा है कम हुआ है। अच्छा सबसे ज्यादा दर्द अभी कहाँ महसूस हो रहा है? इस टाइम किस हिस्से में? यहाँ से यहाँ तक। मेरे पास आओ थोड़ा सा पीछे।
है ना, छुआ भर ये वैसे एक बात है गर्मी का तो तूने पूरा साधन कर रखा है भाई, सर्दी का है लगती है क्या लगता है कि सर्दी बहुत लगती है मुझे, बस 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 मैं ऐसे ही देख लूंगा। पहले मेरे को सर्दी नहीं लगती थी, इतनी सिंगल कमीज में घूम जाता था। ससुराल ये ड्यूटी नहीं कर सकते ठंड में। क्या ड्यूटी करता है तू? अरे रेलवे में फोर्थ क्लास प्लाई जी। तो तेरी तो कोई वो सेवा चल ही नहीं रही है, तू तो सेवा ले उड़ रहे होगा, तेरे से क्या सेवा होगी भाई बता मेरे को। कुछ नहीं होती जी, बस बैठ के चौकीदार ही करना और कुछ नहीं। ठेकेदारी चौकीदार करवाते हैं जी बस मेरे से, तो कुछ नहीं करवाते। मेडिकल चलता होगा? हाँ जी। पहले लखनऊ दिखाए थे, वहाँ बोले 60-70 हज़ार का एक टीके लगेंगे इनके, लेकिन कोई वो नहीं है गारंटी नहीं। लोकी चल के आओ ऐसे ही, जय शनिदेव बोलना 3 बार। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। हल्का महसूस हो रहा है? मुझे वो बताया था मैंने, बस आराम पड़ ही जाएगा, मेरा जो होगा मैं निकल जाएगा। हाँ जी आराम तो हो रहा है, और भी कुछ आराम पड़ा है? क्या आराम? आराम जैसे दर्द सा नहीं रहा जैसे चलने में। कहाँ है दर्द? चलने में तो दिक्कत हो रही है लेकिन क्या नाम है, दर्द नहीं लग रहा। दिक्कत क्या हो रही है चलने में? जैसे यहाँ पे जैसे कोई चीज़ से हटती है जैसे, ये इस चीज़ से। मतलब भाई साहब को चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हल्का फुल्का हो रहा है लेकिन दर्द में आराम हो गया? दर्द में आराम है। कैरोप्रैक्टर क्या होता है? तू ये नए नए नाम लेके आ रहा है भाई, कहाँ से लेके आ रहा है तू इतने नाम? क्या इतना कैरोप्रैक्टर? वो जो भैया नहीं, वो वीडियो तो आता है फोड़ते हैं, वो पूरा शरीर का एक एक अंग को फोड़ देंगे। मतलब हड्डी को पूरे शरीर, जैसे कि शरीर टेढ़ा हो जाता है, हो जाता है ना, तो उसका सीधा करते हैं वो हड्डी को एडजस्ट कर। इसकी कौन सी हड्डी अनएडजस्ट है? सारी अनएडजस्ट लगती है मेरे को तो। नहीं कैरोप्रैक्टर क्या करेगा भाई? फोड़ता है जी, कहता शरीर जैसे जाम है, इसको खोल लूंगा मैं फोड़ फोड़ के जैसे उंगलियां। आजकल बहुत प्रोफेशन में है ये चीज़, वीडियो में बहुत। तो फिर उससे तेरा क्या होगा? वो खिंची मारता दर्द होता उससे ज़्यादा। करवाया तूने एक आदमी? करवाया है 10-12 दिन हो गए करवाते। तो फिर और दर्द बढ़ा कि घटा? बढ़ा ही है मेरे को तो दर्द से। अब चलिए जय शनिदेव बोलते हुए, जय शनिदेव। और दर्द कहाँ गया? और दर्द कहाँ गया मेरे को पता ही नहीं चला। अभी तो रोजाना ड्यूटी जा रहा है? जा रहा हूँ जी। हाँ जा रहा हूँ। 4 दिन की छुट्टी लेके आ जाओ मेरे पास, यहीं कहीं पास में रहो, सवेरे से लेके शाम तक यहीं रहना है, 4 दिन दर्द खत्म हो जाएगा। ये प्रेत बाद है इसको तगड़े वाली, इसको इतना ताकतवर प्रेत है जो कभी किसी के पकड़ने में आ ही नहीं सकता, वो बहुत ही सूक्ष्म है। और इसको रम गया है, रम इसलिए गया क्योंकि इसको आया था पहली बार बालाजी में, और बालाजी में यही होता है, एक का प्रेत दूसरी जगह चला जाता है, वहाँ कोई अग्निकुंड नहीं है, वहाँ कोई ज्वालाएं नहीं है, वहाँ यज्ञ कोई ऐसा आधार नहीं है कि जिसमें उन सारी चीज़ों को झोंका जा सके, कोई ऐसा मंत्रवेत्ता वहाँ नहीं है जो आपकी चीज़ों को पकड़ के अग्निकुंड में डाल सके। बालाजी में भगवान के दूत हैं, वो भी इसलिए उत्पन्न हुए हैं क्योंकि हम वहाँ जाके नाम लेते हैं, उनमें श्रद्धा रखते हैं,
और वे दूत केवल प्रेत को पीटते हैं, और जब वो पिट जाते हैं तो बहुत सारे सूक्ष्म और ताकतवर तो वे इधर उधर भागते रहते हैं। तो जो बालाजी गांव की महिलाएं, जो जहाँ जो गांव है वो वहाँ की जो महिलाएं हैं वे ज़्यादातर दर्दों से दुखी हैं, उनको इसी तरह के दर्द पूरे पूरे शरीर में रहते हैं। जो वहाँ के लोग हैं उनको इसी तरह की चीज़ें रहती हैं, और बहुत सारे लोग जब वहाँ जाते हैं और आते हैं तो वो रास्ते में भी चीज़ों को महसूस करते हैं, और बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं, बहुत सारे लोगों की हाजिरियाँ वहाँ पे खुल जाती हैं, लेकिन विधान वहाँ कोई है नहीं। तो जब प्रेतों को पीटा जाता है तो वो कुछ दिन शांत रहते हैं, इसलिए लोग वहाँ अपने प्रेतों को पिटवाने जाते हैं केवल, और इसके बाद निकलने का कोई विधान वहाँ है ही नहीं। और वहाँ बहुत सारे भक्त भी इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ प्रेत पिटते हैं, उनकी हाजिरियाँ आती हैं, ढोल बजते हैं, नाम लेते हैं। तो जैसे बीन के आगे सफेद सांप नाचता है, हमें लगता है कि सांप नाच रहे हैं, जबकि सांप नाच नहीं रहा होता, सांप केवल उस शत्रु पर वार कर रहा होता है। इसी तरह से प्रेत शरीर के अंदर पड़ के सो जाता है, जब वो पिटता है तो वो थक जाता है, तो 10-20 दिन का आपको आराम पड़ जाता है, लेकिन पिटने से कोई चीज़ मरती ही नहीं। 10-20 दिन का आराम मिलता है, फिर वैसे हो जाता है। 10-20 दिन का आराम कहाँ से मिलता है? जैसे कहीं किसी के पास जाता हूँ, जैसे किसी भगत के मिलता है ना, तो इसलिए तो मैंने कहा ना पहले आओ मेरे तो पास। कभी तो क्या ना मैं तो अगर मूल से जब चीज कटेगी तभी ये जा पाएगी, वरना तो तू दुख पाता रहेगा सारी दुनिया में। कभी मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे हनुमान जी दिख रहे हैं, कभी लगता है काली दिख रही है। ये कोई विपरीत शक्ति है ना, ताकतवर है ना, ये कोई देवता भी हो सकता है किसी का छोड़ा हुआ, ठीक है, किसी में से घुसा तेरे अंदर आ गया, अब तेरे अंदर आके उसी दिन से पीड़ा कर रहा है। समाधि वाले बाबा की वो कर रहा था ना परिक्रमा, कहाँ कर रहा था ना, हाँ तो फिर कर रहे थे ना, उसी टाइम आई ना ये चीज, बोलो हाँ के ना। थी तो पहले से, लेकिन क्या नाम जब मैं परिक्रमा खुली ना, खुली ना परिक्रमा करने से, नाम लेने से थी पहले से, तो वो ताकतवर थी, तभी तो आपको इतनी परेशानी हो रही है कि वो बढ़ती जा रही है, घट रही नहीं है। जब आप वहाँ जाते हो उसको मार लगती है, हल्का पड़ता है शरीर 2-4-10 दिन के लिए, फिर वैसे ही हाल हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डॉक्टर ने अनेक रोग घोषित कर दिया जिनके नाम तक आपको नहीं पता है, कभी कह रहा है 70,000 का इंजेक्शन लगा, कभी कह रहा है 80,000 का। मैंने कोई इंजेक्शन लगाया अभी आपको? अभी दर्दों में कमी पड़ी कि नहीं? मैंने जब खड़ा किया था आपको दर्द ज्यादा थे कि नहीं, या मेरे खड़े होने से दर्द गायब हो गए मेरे सामने खड़े होने से? नहीं। अब मैंने करके दिखा दिया, आपकी मर्जी है, आप अपना इलाज कराओ या ना कराओ। आप आओ 3-4 दिन की छुट्टी लेके, आसपास में कहीं रुको, पूरा दिन यहाँ धाम में रहो, तब आपके दर्द जाएंगे। उसके लिए भी विधान है, पूरे दिन में एक बार आपने दीप दान करना है, पूरे दिन में यहाँ अपने हवन कुंड के पास रहना, और रोजाना शाम को मैंने आपको देखना है, ठीक है? अभी देखो कहाँ दर्द है बताओ मेरे को। अब तो आराम लग रहा है। फिर जब तुझे यहाँ बैठे बैठे आराम लग गया, तेरी इतनी भयंकर बीमारी है, डॉक्टर कह रहा 70,000 के इंजेक्शन में भी आराम आ जाए तो आ जाए, वरना आराम नहीं आए। तेरे को रीढ़ की हड्डी क्या वो बता दिए, बता तू रीढ़ की हड्डी से क्या करना चाहता है, कर तू मेरे सामने, अभी मैं देखता हूँ, बोल। बैठ नहीं सकता, जैसे मैं कहाँ नहीं बैठ सकता, बैठिए, जमीन पे नहीं बैठ सकता। कैसे नहीं बैठ सकते? बैठे उसको बैठाओ, बैठाने में अगर देखो यहाँ कोई प्रॉब्लम, उसने बढ़ा दिया, क्योंकि लंबे समय से आपको प्रेत बाधा है। प्रेत क्या करता है, आपको अनेक रोग उत्पन्न करता है, इसलिए बहुत सारे लोगों को प्रेतों से इतने रोग उत्पन्न हो जाते हैं कुछ हद नहीं। दो समस्याएं रहती हैं हमारे सामने, प्रेत निकालना कोई सामान्य खेल नहीं है, शैतान से जूझना कोई सामान्य खेल नहीं है, भगवान भी इससे युद्ध कर चुके हैं। भगवान कृष्ण हरिवंश पुराण में दामोदर नाम के प्रेत से युद्ध करते हैं, तो दामोदर था या घंटाकर्ण था, एक या दामोदर था या घंटाकर्ण था, उसका श्रीमद् भागवत कथा सुनाने से उद्धार हुआ। दो, ठीक है ना, भगवान गीता में स्वयं भूत प्रेत कहते हैं कि भूत प्रेत जो है इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, इनको पूजने से, और पितृ बोलते हैं, ठीक है ना, भगवान तो उठे हुए पितृ को बोलते हैं, जिसका उत्थान हो चुका उसकी भी पूजा नहीं करनी चाहिए, आ गए ना समझ में? फिर प्रेतों के, भगवान शंकर के साथ प्रेत गण अलग चलते हैं, राक्षस गण अलग चलते हैं, भूतादि गण अलग चलते हैं, राक्षस उनकी सेवा अलग करते हैं, और सामान्य साधारण देव पुरुष अलग सेवा करते हैं, आए ना समझ में? फिर सारे रात में सपने देखता हूँ तो बात ही करते रहता हूँ, पता नहीं किसी से बात करते हो ना, तो किससे बात करते हो? हमारे यहाँ भी कई केस ऐसे हैं जिसमें पूरी रात बात करते रहते हैं बच्चे किसी ना किसी से, पर धीरे धीरे जाके बंद होता है, वो भी पीछे कोई करने वाला ना हो, अगर करने वाला है तो वो बात भी लंबे समय तक चल सकती है। और आपकी तो मेरे पहले, आज मैं दूसरी बार आऊँगा, पहले सोच रहा था मैं, पहली बार ऐसा मन है कि दोबारा जाऊँगा ना, तो एक बार मनु भैया से मिल के आऊँगा, मैं ऐसे नहीं आऊँगा, एक बार मिल के ही आऊँगा। अभी देखो दर्द का है, आराम है ना, अब आना है, निरंतर आना है जब तक पूरा ठीक ना हो, ना तो सारी जिंदगी ली गई तेरी। और सुन, एक बात कहता हूँ तेरे को, आज सरेआम कहता हूँ, और सरेआम कहता हूँ बिल्कुल, अगर तूने ये कटवाई नहीं, एक तो तू भूत बनेगा,
और ये तो है ही प्रेत पहले से, ये तो बात तो फिर ये बात तेरे बच्चों के अंदर जाएगा, तू किसी और के अंदर जाएगा नहीं। अगर तांत्रिक ने पकड़ लिया तो किसी और के अंदर भेजेगा ना, तो तेरी प्रेत होनी छूटनी। और एक बात, ये तेरे अंदर रहता रहता तेरी पत्नी में आएगा, तेरे बच्चों में आएगा, लिख ले बात में। असर करता है ये परिवार में, करने लग गया। फिर हमारे ये तीन भाई है, लेकिन तीनों भाई सही नहीं है, तीनों भाई सही नहीं है। एक तो ऐसे लगता पागल सा, तो भैया ने बताया था मेरे को बाप का नाम लेके करा के करी गई थी ये चीज, अरे बच्चों में फैल गई सारों पे। बाप पे असर नहीं है, तीनों लड़कों पे असर है, बता दिया ना पहली बार। बड़ा लड़का मैं ही हूँ, बाकी मेरे से छोटे। अब बता भाई, आओ जी आओ। वो भी ऐसे हो गया, इसके बाद आना भैया।